कहते हैं हमारा देश गांव में बसता है, मैं ये बात जानता भी हूँ और मानता भी हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के एक ऐसे ही गांव और वहाँ की दिसंबर की धुंध में डूबी एक सुबह। यह है मेरा गांव मेरा देश सीरीज उत्तर प्रदेश का एपिसोड नंबर 7। मुझे हाँ जी हाँ जी कोई नहीं, हम आपको भी दिखा देते हैं। ये लो तो कह रही भाई सफाई करना है, काम करता दिखो। बिल्कुल, गांव के जाने पहचाने अनजाने से लोग बताते हुए मेरे बचपन के किस्से और यादें, जो हैरान है इस बात पर कि कोई 8 घंटे में 200 किलोमीटर साइकिल कैसे चलाकर आ सकता है। सुनिए आप भी। मेरे को लगे जी 8 घंटे लगे। चाय पीने पिलाने के बाद मैंने साइकिल पर पैनी बैग्स फिट किए बुआ जी को अलविदा कहा और फिर से निकल चला अपनी साइकिल पर अगली मंजिल की तरफ। उबड़ खाबड़ रास्तों से लहराती हुई गांव की छोटी छोटी सड़कों से, गांव की गलियों से गुजरता हुआ, लोगों से रास्ता पूछता हुआ और 15 साल पहले और आज के गांव की तुलना करता हुआ मैं चलता रहा। पनियाली यही रास्ता जा रहा है? एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, गांव बहुत बदल गए हैं। मैं जो 15 साल पहले गांव देखता था, कच्चे रास्ते कच्चे घर, अब मुझे कहीं पर भी कच्चे रास्ते कच्चे घर नज़र नहीं आ रहे। रास्ते पक्के हैं और घर भी। तो गरीबी गांव से बहुत हद तक दूर हो चुकी है, ऐसा लगता तो है। ये एक गांव है जिसे मैं इस वक्त क्रॉस करके आगे बढ़ रहा हूँ। गांव का नाम है पनियाली। तलहेड़ी के लिए रास्ता तलहेड़ी यही जाएगा। ओके, गांव से मैं बाहर निकल आया हूँ। कोई भी मुझे यहाँ कच्चा घर अभी तक नज़र नहीं आया, ज़्यादातर घर पक्के हैं और उनमें एक से ज़्यादा मंजिल हैं। इस वक्त मैं हूँ तलहेड़ी बुजुर्ग के रास्ते पर। ज़्यादातर लोगों के घर में मुझे ट्रैक्टर ट्रॉली नज़र आए हैं, चाहे वो मेरा खुद का गांव सरकड़ी हो और कुछ घरों में तो कार भी दिखी हैं, चाहे वो दहेज में क्यों ना मिली हो पर कार है और ट्रैक्टर ट्रॉली ज़्यादातर घर में है। झोटा बुगी का कल्चर अब नहीं रह गया है कहीं पर भी।
गाड़ी में तो हॉर्न मार दिया, भाई साहब अलग हो गए, मैं साइकिल वाला क्या हॉर्न मारूंगा। सड़क के बीच में चल रहे हैं, चल आ सकता है, रास्ता नहीं देने वाले मुझे। अच्छा चरखी आ गई है तो रास्ता मिल भी सकता है। जब इस तरह की गन्ने की ट्रॉली दिख, अभी निकला हूँ ताजपुर से, कितने अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है यहाँ, कितने लोग चढ़े हैं। पीछे की स्टैंडिंग लोकेशन, मतलब जो स्टैंडिंग प्लेस है उसको भी यूज़ किया गया है ना, हैरानी की बात। साखन गांव के पास रास्ते में मैंने सिंघाड़े बेचते स्टॉल देखे, 2 किलो सिंघाड़े पैक करवाए और पहुंचा देवबंद। इस वक्त मैं देवबंद शहर में हूं और जा रहा हूं दूसरे गांव जो है रनसुरा। रनसुरा मैंगलोर चौकी से एक टर्न है जो मैंगलोर और रुकी जाता है उत्तराखंड में, तो मैं उसी रास्ते से यहाँ से टर्न करने वाला हूँ। जिस जगह अभी पहुँचूँगा उसे कहा जाता है मैंगलोर चौकी। चलिए ये आगे सामने मैंगलोर चौकी और यहाँ से मैं रोड पे आप सीधे चलेंगे तो आप पहुंचेंगे रुड़की उत्तराखंड, मैंगलोर भी उत्तराखंड में। थोड़ा आगे जाके मैं रुक के किसी से रास्ता पूछने वाला, लोगों से रास्ता पूछता पूछाता आगे बढ़ता गया। आगे के सफर का हाल अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही। हाँ जी, हाँ फिर अच्छा जी, और सजी आप, अच्छा 8 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 पुल पार करके फिर सजी हाथ सड़क जा रही है दुख चढ़ी को, ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं मालूम था, हम सोचे थे 1-2 किलोमीटर होगा।